इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं LIC के IPO की बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इस IPO की डेट्स के बारे में। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि LIC का IPO इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा IPO होने वाला है, इसीलिए इस IPO की छोटी से छोटी कवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और लोग इस IPO का इंतज़ार काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं। और अब इस IPO की एक बेहतरीन अपडेट आती हुई नज़र आ रही है, तो चलिए सबसे पहले अपडेट को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि LIC के IPO को रिटेल निवेशकों के लिए और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कई चेंजेस किए जा रहे हैं, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो LIC के IPO का वैल्यूएशन 55,000 से 60,000 करोड़ के बीच रखा गया था, उसको कम करके 21,000 करोड़ के आसपास रखा गया है। और देखिए, 9,000 करोड़ इसमें ग्रीन सू के नाम से जुड़ेंगे, यानी टोटल जो IPO है करीब 30,000 करोड़ के आसपास का हो सकता है। देखिए, जो न्यूज़ है ये सूत्रों के हवाले से पता चला है, और देखिए यहाँ पर जो वैल्यूएशन है उसको करीब 40% तक कम किया गया है। अब देखिए, आपको बता दें, पहले भी न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि वैल्यूएशन को करीब 30% तक कम किया जा सकता है, लेकिन अब जो न्यूज आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ये जो वैल्यूएशन है करीब 40% तक कम किया जा सकता है, जिसके कारण यहां पर जो 55 से 60,000 करोड़ के आसपास इसका जो वैल्यू था वो कम होकर अब करीब 30,000 करोड़ के आसपास तक आता हुआ नजर आ रहा है। इससे आप देख सकते हैं, यहां पर बताया गया है LIC वैल्यूएशन फ्रॉम, मतलब 10 से 11 लाख करोड़ जो LIC पूरे LIC का वैल्यूएशन था वो घटकर करीब 6 लाख करोड़ के आसपास आता हुआ नजर आएगा, यानी करीब 40% की इसमें जो है कटौती की गई है। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन में कटौती की जाएगी तो निश्चित रूप से जो शेयर्स हैं, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो 31.4 के करोड़ के आसपास हैं, या इतने के आसपास ही हैं। शेयर तो उतने ही रहेंगे, लेकिन अगर वैल्यूएशन कम होगा तो निश्चित रूप से शेयर का प्राइस कम हो जाएगा, तो हमारे लिए जो प्रीमियम मिलने की गुंजाइश है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए इसको कटौती किया जा रहा है, जितने परसेंट वैल्यूएशन में कमी आएगी उतना परसेंट शेयर प्राइस भी कम होता हुआ नजर आएगा, और उतने परसेंट लिस्टिंग गेन मिलने की ज्यादा संभावनाएं हमें बढ़ जाएंगी। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है, और निश्चित रूप से रिटेल निवेशकों के लिए ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। अब देखिए, बात करते हैं ये IPO कब से ओपन हो सकता है, तो यहां पर बताया गया है ये IPO 2 मई से ओपन हो सकता है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि 12 मई एक ऐसी डेट है कि अगर इसके 12 मई के पहले ये IPO मार्केट में लिस्ट नहीं होता है तो निश्चित रूप से इनको फिर से DRHP सबमिट करना होगा, और उसके बाद काफी लंबा प्रोसेस चलेगा, फिर से 1.5 महीना लगेगा, और फिर जुलाई के आसपास ये IPO आता हुआ नजर आएगा। तो इससे सरकार की मंशा यही है कि 12 तारीख के पहले ये IPO अगर मार्केट में ओपन हो जाता है या मार्केट में लिस्ट हो जाता है तो निश्चित रूप से बहुत सारा काम कम हो जाएगा और निवेशकों को भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, 40% की जो कटौती की गई है, आपके हिसाब से ये कैसा फैसला है? निश्चित रूप से आपको तो फायदा ही होगा, तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें जरूर बताएं, और आप हमें ये भी बताएं कि क्या 2 मई से ये IPO ओपन होने जा रहा है अप्लाई करने के लिए। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और देखिए यहां पर IPO और शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।